हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसने 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का जो है आपस में मर्जर करने का प्लान बनाया है। लेकिन सवाल है कि जब ये बैंक मर्जर होंगे तो क्या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा होगा, क्या उनको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? ये सब सवाल जो है कुछ अभी एग्जामिन करने के हैं। तो जरा देख लेते हैं कि फ्रेंड्स ये जो है कि किस तरीके से जो लोग हैं उनको इससे फायदा होगा। सबसे पहला जो मर्जर है फ्रेंड्स वो है यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर। इधर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कॉरपोरेशन बैंक है इन तीनों बैंकों में सबसे स्ट्रांग है, और ये डिपेंड करेगा कि इसमें स्वैप रेशियो क्या है, मतलब मर्जर के बाद कितने किसको कितने कॉरपोरेशन बैंक के, किसको कितने आंध्रा बैंक के और यूनियन बैंक के शेयर्स मिलेंगे। फिलहाल तो जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डाइसी ही लगती है, तो मुझे लगता है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बात के ऊपर, कुछ पता नहीं है कि फायदा होगा या नुकसान। फ्रेंड्स उसके बाद ये तीन बैंक यहां मर्जर किए हैं, ये तो इसमें तो ये जिसमें पीएनबी बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और यूनाइटेड बैंक है, ये तीनों ही बैंक लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये तीनों बैंक जो है मिलके भी किसी दौड़ में शामिल हो सकेंगे, तो मेरे को तो लगता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात ना हो जाए, तो आप जरा थोड़ा सा बच के ही रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद कैनरा बैंक का जो मर्जर है वो सिंडिकेट बैंक से हो सकता है, इसके अंदर भी कोई खास बात तो नहीं है, और मुझे ये भी दोनों ही बेसिकली वीक बैंक्स हैं, तो वही बात है कि दोनों वीक बैंक हैं, बहुत दम नहीं है, दम कम नहीं है इन बैंकों में, तो मर्जर से क्या किसको हासिल होगा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो एक्चुअली देखने वाली बात ही है। अगला जो मर्जर है फ्रेंड्स वो इंडियन बैंक और आंध्रा बैंक का मर्जर है, और जो इंडियन बैंक है 2 साल पहले तो काफी जो था ये स्ट्रांग था, लेकिन अभी तो वीक चल रहा है ये भी, और आंध्रा बैंक भी वीक है, तो भगवान जाने कि इन दोनों मर्जर से किसको कितना फायदा होगा। उसके बाद जो सबसे बड़े चैलेंजेस जो गवर्नमेंट के पास हैं फ्रेंड्स, वो चैलेंजेस ये हैं कि मर्जर के बाद जो बैंक्स हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो बैंक्स हैं वो ज्यादा बैंक्स जो हैं ज्यादा स्ट्रांग बन के उभरेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो प्राइवेट बैंक हैं, गवर्नमेंट का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो बैंक्स आपस में मिलकर जो है प्राइवेट बैंक को जो है मतलब प्राइवेट बैंक्स को जो है एक मजबूत टक्कर दे सकें, इनके जो एम्प्लॉयज बढ़ जाएंगे, साथ में जो है इनकी बैंक ब्रांचेस बढ़ जाएंगी, इनका बिजनेस भी ज्यादा होना चालू हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट सोचती है कि एट पार विद प्राइवेट बैंक से हो जाएंगे, लेकिन ये सब देखने वाली बात है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा दूसरा चैलेंज गवर्नमेंट के सामने ये है कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो चली जाएगी, क्योंकि जो है जितना बिजनेस है इतने सारे बैंक्स आपस में मिल जाएंगे तो फिर जो है एक्स्ट्रा जो है लोग हो जाएंगे तो उनका क्या करेंगे, तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है बैंक की बढ़ सकती है, मर्ज बैंक्स की बढ़ सकती है, और इन बैंक्स को फ्रेंड जो सिंक्रोनाइज होने के अंदर भी करीब करीब 18 महीने से 2 साल लग सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर अभी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफी लंबे टाइम तक ये जो बैंक्स हैं इनके शेयर्स को होल्ड करना पड़ सकता है। एक तो सिंक्रोनाइजिंग है, और सिंक्रोनाइजिंग के बाद उनकी परफॉर्मेंस कैसी आती है ये बिल्कुल आते आते जो है 1.5-2 साल लग जाएंगे। और उससे बड़ा इशू ये है कि वीआरएस इशूज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कई लोग हैं वो बैंक भी चाहेगा कि कई लोगों को नौकरी से निकाल दे उनको वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम देकर, तो हो सकता है इससे जो है पैसे जो है बैंकों के बच जाएं, और उसको ये करना भी पड़ेगा इशू, ये इसको करना भी पड़ेगा बैंक्स को, जो जो इम्प्लॉयज वीआरएस लेना चाहते हैं उनको देकर जो है सस्ते जो है नए इम्प्लॉयज को इंडक्ट किया जा सकता है, या जरूरत नहीं है तो उनको छोड़ा भी जा सकता है। और मैंने जैसे पहले कहा कि हाउ इन्वेस्टर विल डिपेंड ऑन द स्वैप रेशियो, किसको कितने शेयर मिलते हैं मर्जर के बाद ये देखना पड़ेगा, तो अगर इतना कन्फ्यूजन में इतना कन्फ्यूजन है तो फिर मेरे को लगता है मैं तो कम से कम दूर रहूंगा, बाकी आप जो है अपने जो शेयर आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार ही आप सलाह जरूर ले लीजिए। और इसके बाद जो मेजर इश्यूज हैं वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बिकॉज इतनी मानसिकता के लोग जो हैं बैंक्स आपस में जुड़ेंगे उसको भी मतलब बैंक्स को भी जो है आइडियोलॉजी जो वेरियस बैंक्स की हैं उसको एक करने के अंदर भी टाइम लग सकता है। अब फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि इसके बाद जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है उसके अंदर ये फ्रेंड्स आज हम देखे हम 5 मार्च
2020 के अंदर हैं और अभी टाइम हुआ है 5:29, यानी कि मार्केट जो है वो बंद हो चुकी है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर आज क्या हुआ। तो पहले जो है इसकी जरा कैंडलस्टिक चार्ट लगा के देख लेते हैं निफ्टी में, अगर कुछ इसमें समझ आ रहा है। हाँ फ्रेंड्स, इसमें समझ ये आ रहा है हमको कि इसने आज यहां पर जो है एक ये स्पिनिंग टॉप दिया है। हालांकि स्पिनिंग टॉप बहुत बढ़िया नहीं है, तो हो सकता है कि जो अभी अभी तो खैर कहना चाहिए कि ट्रेडर्स के अंदर कन्फ्यूजन है। और उसी हिसाब से फ्रेंड्स अगर हम ये RSI को भी देखें तो RSI अभी भी 31.56 पे है। ये जो है मुझे लगता है एक दो दिन ऐसे और जाएंगे। और ये अगर इसकी हम ये मूविंग एवरेजेस को देखें तो इनका भी जो पूरा का पूरा जो मुंह है मूविंग एवरेजेस का, वो मुंह भी खुला हुआ है। जरा मैं इसके देख लूं फ्रेंड्स, इसकी जो मूविंग एवरेजेस हैं आजकल मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो थोड़े से अलर्ट हो गए हैं, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूं। हाँ, मूविंग एवरेजेस जो हैं 10 और 15 ही हैं, तो मूविंग एवरेजेस जो हैं वो भी मतलब सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो हो सकता है कि मतलब ये जो है अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने के लिए। और फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो क्लोजिंग प्राइस चार्ट है ये क्या बोल रहा है, क्या ये कुछ बोल रहा है हमको। अब आप देखिए यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको यहां सपोर्ट कहां पर मिलेगी अगर ये मार्केट गिरी। तो आज ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये मार्केट आज गिरी है और अगर इस मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है जहां से ये ऊपर गया था फ्रेंड्स, देखिए इसने यहां पर डबल टॉप मारा है। तो 1, 2, 3 रेजिस्टेंसेस यहां पर आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये गिरा तो भी यहां इसके ये इसके नीचे नहीं जाएगा। और अगर इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया तो उसके बाद जो दूसरी रेजिस्टेंस आएगी वो करीब करीब इसके पास आएगी। यहां भी देख लीजिए ये 1, 2 और ये थोड़ा उस जोन के अंदर है, तो गिर के करीब ये 11,050 के करीब भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स अब देखने वाली बात है कि क्या हमने इसको जो बैंक निफ्टी है अभी कुछ गारंटी तो नहीं दे रहा है, और ये भी अभी 31.56 पे खड़ा है जैसे हमने देखा था। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो बैंक जो सॉरी पहले हमने निफ्टी देखा था, अब ये बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी देखिए आज जो है, पहले सबसे पहले तो इसकी जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसको लगा के देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। तो कैंडलस्टिक चार्ट हमने लगाई है इसकी, और फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहां पर इसने एक डोजी बनाया है। डोजी बनाने का मतलब ये है कि अभी भी जो है मतलब जो ट्रेडर्स हैं बैंक निफ्टी के अंदर कन्फ्यूजन ही है उनको कि क्या करना है। यहां टग ऑफ वॉर है। हालांकि जो शेयर है वो बहुत ऊपर नीचे गया है, लेकिन ज्यादा बैंक निफ्टी के अंदर जो है अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि कल क्या होगा। और इसके अलावा दूसरी फ्रेंड्स मैं बात आपको बोलना चाहता हूं कि इसका जो RSI है, इसका RSI है 31.24 है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों वैसे ही है, तो कुछ खास इसके अंदर अभी बैंक निफ्टी में तो कोई बिल्कुल कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर इसकी आएंगी अगर ये गिरा या ऊपर चढ़ा। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर कि इसकी जरा देखते हैं इसकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहां से अगर ये गिरा तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगी। अभी तो ये यहां पर है, ये यहां से अगर ये आज ये यहां पर है, यहां से गिरा तो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है फ्रेंड्स यहीं पर आएगी जहां पर ये पहले जो है इसने यहां पर ये देखे, यहां पर इसने डबल बॉटम मारा है और ये भी उसी जोन में है और ये भी उसी जोन में है। तो आप समझ लीजिए कि गिर के तो पहले 28,500 के ऊपर ही आएगा और अगर यहां भी नहीं टिका तो उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेक्स्ट इसकी जो गिरावट है वो 28,500 से लेकर और 28,000 के बीच के अंदर कहीं भी हो सकती है। ज्यादा गुंजाइश ये है कि ये जो इसकी गिरावट जो है बस ये 28,500 के आसपास ही रहेगी। तो फ्रेंड्स हमने इसके एनालिसिस भी कर लिया है कि कल क्या हो सकता है और अब देखते हैं कल जो मार्केट खुलती है, क्योंकि आजकल इंडिया के अपने हालात कुछ ठीक नहीं है इसीलिए ये ऐसा है। और एक चीज और बता दूंगी, ये देखिए ये कितना बड़ा इसने जो है इन्वर्टेड दिया है कप एंड इन्वर्टेड कप बनाया है इसने, बहुत शानदार बनाया है इसने। यहां भी देखिए काफी टाइम लगता है, जब जब कप बनता है तो ऊपर जाने के लिए इसको बहुत टाइम लगता है। ये रिवर्स कप बनाया है, हो सकता है थोड़ा टाइम इसमें भी फ्रेंड्स लग जाए। तो फ्रेंड्स बस मैं आपको इतना ही बोलता हूं कि जरा थोड़ा ध्यान से रहिए और अभी मार्केट में ज्यादा खरीद करने की कोशिश ना करें। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, बेल का बटन दबाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। मेरा आपको वादा है कि मेरा जो भी वीडियो होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं टेक्निकल एनालिसिस को जरूर आपके साथ डील करूंगा। थैंक यू वेरी मच।